कराची में वक्फे से रिमझिम, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के रंग, कहीं बूंदाबांदी ने किया जल तरंग। क्लिफ्टन, मलीर, शाराए फैजल, इब्राहिम हैदरी और इतराफ में मूसलाधार बारिश। टावर, बल्दिया, हॉक्स बे, नेवल कॉलोनी में रिमझिम, सुरजानी टाउन, गिरडाप, तेसर टाउन और गुलशन मेमार में हल्की बारिश। करंगी, शाराए फैजल, सदर, PCHS में बादल जमकर बरसे। शहरी बरसात का मजा लेने घरों से निकल आए, समोसों, पकौड़ों और कचौरियों का दौर चल निकला। कराची में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, KMC कामला नजर नहीं आया। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा, इंतजामिया की जानिब से इतहाल पानी ना निकाला जा सका। शहर के पौश इलाके भी बारिश से बुरी तरह मुतासर। डिफेंस, खयाबान ने शहबाज रोड पर कई फुट पानी जमा, बारिश का पानी घरों में दाखिल होने लगा। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, वजीर आला हाउस में इमरजेंसी सेल कायम। नॉर्थ नाजिमाबाद, IIT चुंदरीगढ़ रोड पर बारिश का पानी जमा। सदर, लियाकताबाद और टीपू सुल्तान रोड तालाब में तब्दील। जमशेद रोड, करंगी, लांडी और सोल्जर बाजार की सड़कें भी डूब गईं। बल्दिया उज़्मा, कराची की बरवक्त निकासी आपके दावे धरे के धरे रह गए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में बारिश का सिलसिला रात तक वक्फे से जारी रहेगा। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। स्पीकर की हैसियत से असेंबली के कवायद के मुताबिक इंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। सरदार अयाज सादिक के लिए स्पीकर की नशिस्त, PTI उम्मीदवार आमिर डोगर को हुई शिकस्त। मुस्लिम लीग के अयाज सादिक 199 वोट लेकर कौमी असेंबली के 22वें स्पीकर मुंतखब, तीसरी बार स्पीकर बन गए, हल्फ भी उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार आमिर डोगर 91 वोट ले सके। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायती याफ्ता पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक मलिक आमिर डोगर से उनकी नशिस्त पर जाकर मिले, हामिद रजा और उमर अयूब खान से भी मुसाफिया किया। आपकी क्यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, 80 कौमी असेंबली की सीटें हमसे छीनी गईं। फॉर्म 47 के नतीजे पर शोर, फॉर्म 45 देने पर जोर। स्पीकर का इंतखाब हारने वाले उम्मीदवार आमिर डोगर का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब, कहा फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था, लोगों ने जूता, बैंगन, घड़ियाल, ढोल को ढूंढ कर वोट डाले। डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार जुनेद अकबर बोले, जब तक हमें हक नहीं दिया जाता इस ऐवान को चलने नहीं देंगे। देखा जाए 9 मई के वाकयात का फायदा किसको हुआ। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90, अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला क्योदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार को 90 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के इबादुल्ला सिर्फ 16 वोट ले सके। हुकूमती अरकान और ऐवान में मौजूद PTI कारकुनों की शदीद नारेबाजी। असेंबली से पहले खिताब में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के वाकये पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खिताब में कहा, ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, ऐसा निजाम चाहते हैं किसी से कोई ज्यादती ना कर सके। पीपल्स पार्टी का जयाला बनेगा बलूचिस्तान का वजीर आला। सरफराज बुगटी आज बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होंगे। उनके मदे मुकाबल किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वसूल किए ना जमा कराए। सरफराज बुगटी के वजीर आला बनने का बाकायदा ऐलान आज असेंबली इजलास में किया जाएगा। तकरीबी हलफबरदारी आज शाम गवर्नर हाउस में होगी। सरफराज बुगटी की तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को मुज़ाकरात की दावत, कहते हैं आए इंतजार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हों। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, तमाम जातों जमातों को साथ लेकर चलेंगे। पंजाब के मसाइल हल करने के लिए वजीर आला फ्रंट फुट पर। मरियम नवाज का सूबे भर में सरप्राइज विजिट करने का ऐलान।
रमजान पैकेज से मुतल्लिक इजलास से गुफ्तगू में कहा, सबको बिला तफरीक रमजान पैकेज मिलना चाहिए। हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। एक माह में पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। सफाई के अमल को खुद मॉनिटर करूंगी। थोड़ी सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मैरियट ने मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीरे आला बनने पर मुबारकबाद दी। पंजाब के तलबा के लिए बरतानवी जामियात में स्कॉलरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने डिजिटल पंजाब विजन को सराहा। मरियम नवाज कहती है, पंजाब को डिजिटलाइजेशन के जदीद दौर में ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का पलड़ा भारी। सदर मुमलिकत बनेंगे आसिफ अली जरदारी। 3 मार्च को वज़ीर आज़म, 9 मार्च को सदर का इलेक्शन होगा, शेड्यूल जारी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब में मुकाबला होगा। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवार आज दिन 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इत्तेहादी जमातों ने आसिफ जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद को मौजू उम्मीदवार की तलाश। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का हदफ, मौलाना फजल रहमान को मनाने के जतन। नवाज शरीफ की सरबरा जेयूआई के घर आमद। वजीर आजम के इंतखाब में वोट देने की दरखास्त कर दी। मौलाना ने एक बार फिर अपने तहफुजात दोहरा दिए। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के तहफुजात दूर कराने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए भी मौलाना से वोट मांगा।